ओम आज रात्रि क्लास है 23 फरवरी 1968 का। मुरली पढ़नी जरूर है। क्या मुरली पढ़नी जरूर है? मना नहीं, धीमे आवाज करो। पढ़नी है या सुननी है? और कम करो। सुननी है, पढ़नी है, सुननी है या समझनी है? समझनी है। पहले होता है सुनना, फिर होता है समझना। सुनना और सुनाना ये बेसिक नॉलेज में हुआ। अच्छा, 2, 4, 5 के स्टूडेंट होते हैं, वो चौपाई सुनते हैं, दोहे सुनते हैं, फिर टीचर से सुन करके सुनाते हैं। उनकी गहराई का अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसे ही बेसिक नॉलेज की पढ़ाई जो घर घर में माता भी पढ़ाई लेती है, वो इस सृष्टि की बड़े से बड़ी माता जिसका नाम है ब्रह्म माँ। ब्रह्मा ने बड़ी से बड़ी और माँ माने माँ। माँ का काम होता है बच्चों को प्यार से सिखाना, बच्चों को जन्म देना और बच्चों की पालना करना। तो बेहद की माँ इस ब्रह्मा ने जितनी पालना प्यार से की, सहन शक्ति से पालना की और बेसिक नॉलेज की पढ़ाई जितने प्यार से पढ़ाई, उतनी दुनिया में और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। परंतु बेसिक नॉलेज होती है सुनने और सुनाने की। इसको कहेंगे भक्ति कल्ट। गहराई से समझने की बात नहीं है। वही छोटे छोटे स्टूडेंट जब उनकी पढ़ाई पढ़ते हैं, वही बीए एमए में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास के दोहे, कवित्ते, चौपाइयां पढ़ाई जाती हैं, तो गहराई से उनका अर्थ समझते हैं और समझाते भी हैं टीचर बनकर। तो ऐसे ही मुरली में ये इशारा दिया हुआ है, बेसिक नॉलेज की पढ़ाई जब ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई जा रही थी तो बोला था, तुम बच्चों का क्लास आगे चल के ट्रांसफर होगा। मुरली में ही सुनाया था। ट्रांसफर होगा का मतलब क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर भी बदल जाता है। टीचर तो बदल जाते हैं ना, और स्थान भी बदल जाता है। तो ये बेहद ब्राह्मण बच्चों का स्कूल है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों ने जन्म लिया, पालना ली,
अब बेसिक की पालना लेने के बाद क्लास ट्रांसफर होते जा रहे हैं। जिनके क्लास ट्रांसफर होते जा रहे हैं वो ऊंची पढ़ाई एडवांस में दाखिल होते जा रहे हैं। ऊंची पढ़ाई में दाखिल हो रहे हैं तो स्टूडेंट ऊंचा दर्जा प्राप्त कर रहे हैं, उनका बेसिक का इम्तिहान पूरा हुआ। बेसिक की परीक्षा थी और उसकी रिजल्ट भी बताई दी। तुम बच्चों की आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट वापस सीखोगे। कोई दीदी दादी टीचर से नहीं, ब्रह्मा से नहीं, किससे डायरेक्ट सीखोगे? डायरेक्ट बाप से सीखोगे। और बाप बेहद के दो हैं, एक है आत्माओं का बाप बिंदु बिंदु आत्मा, और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शोध शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है मनुष्य आत्माओं के बाप में। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन मनुष्य मात्र के बीच में जिस मनुष्य आत्मा ने अपने आत्मा के 84 जन्मों को पहले पहले जाना, अपने आत्मा के स्वरूप को पहले समझा और आत्माओं के बाप को पहले समझा, उसी में सुप्रीम सोल शिव प्रवेश कर जाता है और मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। दुनिया वाले जब समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, बेसिक नॉलेज में भी समझते हैं परमात्मा मेरे में है, ब्रह्मा में है, दीदी में है, दादी में है, जो भी संदली पे बैठ करके दृष्टि दे उसी में बाप समझना है, परंतु ऐसे नहीं है। गॉड फादर इज वन कहा जाता है, मुरली में सुना है ना, गॉड फादर इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। तो दुनिया कहती है और ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक नॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट भी समझते हैं कि सुप्रीम सोल बाप सब में प्रवेश कर सकता है, लेकिन नहीं, वो सर्वव्यापी नहीं है। बेसिक में भी कहते तो हैं कि भगवान बाप सर्वव्यापी नहीं है, फिर उनसे पूछा जाए अगर सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, बताओ, तो जवाब देंगे? जानते ही नहीं। और जब तक ये जानते ही नहीं तो मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, न खुद अंदर से गहराई से मान सकते हैं और न दुनिया इस बात को मानेगी। किस बात को? कि परमात्मा बाप एक व्यापी बनकर के आता है, सर्वव्यापी बनकर नहीं आता है। किस एक में प्रवेश करता है? जो
मनुष्य मात्र का ये बड़े से बड़ा बेहद का ड्रामा है। इस ड्रामे में जो हीरो पार्टधारी है, उस हीरो पार्टधारी में वो सदैव जीरो की स्टेज में रहने वाला प्रवेश करता है और मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। जब प्रवेश होता है तो बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बाप में और माँ में अंतर है। बाप पहले या माँ पहले? बाप पहले। तो बाप कब प्रत्यक्ष हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्ष हुआ 76 में। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया और ब्रह्मा तो पहले से ही था। था या नहीं था? था। तो यहाँ तो माँ पहले हो गई और बाप बाद में हुआ है, ये कैसे हो गया? कि अम्मा पहले बन गई और बाप बाद में आया, ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। हैं? जैसे ब्रह्मा से जिन्होंने ज्ञान सीखा और ब्रह्मा कुमार बने और अभी भी ब्रह्मा कुमार ही हैं, एडवांस में नहीं आए हैं, वो अभी भी कहते हैं हम किसके कुमार हैं? ब्रह्मा कुमार। बार बार उनसे पूछो किसके कुमार हैं, कहेंगे ब्रह्मा कुमार, बड़ी अम्मा कुमार। तो लोगों को शक पैदा हो सकता है, ये बच्चा बार बार बोलता है मैं अम्मा का बच्चा हूँ, अम्मा का बच्चा हूँ, बार बार पूछने पर भी ऐसे जवाब क्यों देता है? तो ये बात अच्छी मानी जाती है क्या कि बच्चे को अपनी माँ का पता ही, माँ का पता है लेकिन बाप का पता ही नहीं? खराब माना जाता है। लोग समझते हैं पता नहीं इसका कौन बाप होगा, होगा होगा नहीं होगा, क्या है कैसे है। तो मुरली में ही ये बात सुनाई गई है ब्रह्मा के मुख से, तुम बच्चों को कभी भी अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। ये ब्रह्मा कुमारी नाम कब से पड़ा? ब्रह्मा कुमार कुमारी कब से कहना शुरू हुआ? पहले तो इन ब्राह्मणों के संगठन का नाम था ओम मंडली। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं था, ये नाम बाद में पड़ा। नाम काम के आधार पर पड़ता है या यूं ही पड़ जाता है? यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली नाम पड़ा था तो भी सार्थक नाम था, आउम ओम आऊ और म, इन तीन अक्षरों से मिलकर के बनता है आउम। इन तीन अक्षरों का अर्थ है आ माना ब्रह्मा, उ माना विष्णु, मा माना महेश। और ये भी मुरली में सुनाया है कि मैं जब आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, मैं कौन? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, मेरा शरीर नहीं होता।
मेरा अपना शरीर नहीं है, मुझे बिंदी का नाम शिव है और जितने भी नाम होते हैं वो सब शरीर के ऊपर होते हैं, परंतु मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। लेकिन मैं बिंदी शिव परमात्मा अकेला इस सृष्टि पर नहीं आता हूँ, तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। एक मूर्ति नहीं चाहिए, कितनी चाहिए? तीन मूर्ति चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही मौजूद थे आदि में, इसलिए नाम पड़ा ओम मंडली, अर्थ सहित नाम पड़ा। उसके बाद क्या नाम पड़ा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। शिव ने आकर के तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य शुरू किया, तो तीन मूर्तियां थी या अमूर्त थी? मूर्त माने साकार और अमूर्त माने निराकार। तो तीनों मूर्तियां थी या नहीं थी? थी। मुरली में सुना होगा, पुराने जो बैठे होंगे उन्होंने सुना होगा। शुरू शुरू में तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाले थे वो मम्मा बाबा को भी पढ़ाते थे, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, मम्मा बाबा को भी दृष्टि देते थे, सिखाते थे। बच्चियों का जिक्र आया है, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी सिखाती थी, मैंने कम से कम दो बच्चियां तो थी। और फिर ये भी बोला है, ध्यान में जाती थी, 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, इसका मतलब एक पुरुष भी था और दो माताएं थी। दो माताएं हो गई, एक ब्रह्मा माने बड़ी माँ के रूप में और दूसरी हो गई वैष्णवी शक्ति विष्णु देवी के रूप में, जो लास्ट में प्रत्यक्ष होगी, जिसके लिए लास्ट अव्यक्तवाणी में बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो अभी तो नहीं प्रत्यक्ष हुई, लास्ट में प्रत्यक्ष होगी, और अकेली प्रत्यक्ष नहीं होगी, वो भी मुरली में सुनाई दिया। रानी मक्खी शहद की जब निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है, इसका मतलब बेसिक नॉलेज में उन मक्खियों का झाड़ तैयार हुआ पड़ा है। जब वैष्णवी शक्ति की प्रत्यक्षता होगी, भारत माता शिव शक्ति अवतार, तो सारा का सारा झाड़ उसके पीछे पीछे जाएगा। दूसरी शक्ति दूसरी मूर्ति वो हुई यज्ञ के आदि में,
और तीसरा वो बाप, जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन मिला था। ब्रह्मा बाबा अपने गुरु के पास, पिछले गुरुओं के पास भटकते रहे कि हमारे साक्षात्कारों का अर्थ बताओ, कोई ने नहीं बताया। वाराणसी में आकर के विद्वान पंडित आचार्यों के पास भटकते रहे, कोई ने नहीं बताया। लास्ट में उनकी बुद्धि में आया कि कलकत्ता में पहुंचना चाहिए, जहाँ उनका भागीदार था, जिस भागीदार से वो इतने प्रभावित थे कि अपनी जीवन की सारी कमाई की पूंजी वाली दुकान हीरों की उस भागीदार को सौंप दी थी। जानते थे ये मेरे से भी ज्यादा होशियार है। वो छाप ब्रह्मा बाबा के बुद्धि में पहले से पड़ी हुई थी। होशियार भी है और सच्चा भी है। उस व्यक्ति के पास जब पहुंचे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, साक्षात्कार का क्लेरिफिकेशन मिल गया, जैसे कि ज्ञान का बीज पड़ गया। परंतु वो ज्ञान का बीज सीधा ब्रह्मा बाबा को नहीं मिला, बाप से बीजारोपण तो होता है, परंतु वो बीज को सीधा बच्चा ग्रहण करता है या माता ग्रहण करती है? माता ने ग्रहण किया। और एक माता ने सुना और सुनाया, सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला। क्या उसकी सुनने वाली और मुख से सुनाने वाली? कोई कोई ऐसे होते हैं, सुनते भी हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं। कोई ऐसे होते हैं, सुनते तो हैं लेकिन जब तक पूरी रीते समझ न लें तब तक दूसरों को सुनाते नहीं। कुछ न कुछ समझते हैं लेकिन जब तक पूरी रीते न समझ लें तब तक दूसरों को नहीं सुनाते हैं। उनमें थी दूसरी माता, समझने और समझाने की शक्ति वाली। तो वो दोनों आदि वाली मूर्तियां माताएं और तीसरी मूर्ति बाप यज्ञ के आदि में जब तक थे तब तक नाम चलता रहा ओम मंडली, और जब एक एक करके वो तीनों मूर्तियां चली गई तो कराची में आकर के जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियां बही, तो ओम मंडली के टाइम पर जिन ढेर की ढेर कन्याओं माताओं को बंधन आ गया था वो माताएं छूटेली हो गई, कन्याएं भी छूटेली हो गई, और वो हड़बड़ी के बीच में सिंध हैदराबाद को छोड़ करके कराची आ गई। कौन से सन में? 47। सन 47 में। तब से ही ब्रह्मा की बुद्धि में और उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में ये बात आ गई कि ब्रह्मा कौन। उनकी बुद्धि में कौन आया ब्रह्मा के रूप में? दादा लेखराज। और वहीं से संस्था की शुरुआत हुई। वहां नाम नहीं दिया गया ब्रह्मा कुमारी विद्यालय,
क्योंकि ब्रह्मा का नाम वाला मुसलमानों के देश में है या भारत देश में है? भारत देश में है। तो वहां से उन्होंने अपना सारा ब्राह्मण परिवार को ट्रांसफर किया और भारत में आ गए। और भारत में आकर के जब दिल्ली में पहला सेंटर खुला है तो तब से नाम घोषित कर दिया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो अब समझ सकते हैं कि ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा के रूप में पहले घोषित कौन करेगा? ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में कोई दूसरी आत्मा पहले पहचानेगी या ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा स्वयं अपने को पहले पहचानेगी? कौन पहले पहचानेगा? ब्रह्मा के रूप में जो विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा वो ही पहले अपने को पहचानती है कि मैं ब्रह्मा हूँ। परंतु ब्रह्मा को भारतवर्ष में भगवान नहीं मानते। अगर भगवान का रूप माना होता तो गांव-गांव में शहर-शहर में ब्रह्मा के मंदिर बने होते, ब्रह्मा की मूर्तियां बनी होती, ब्रह्मा की पूजा हो रही होती। न पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं, न ब्रह्मा की मूर्तियां बनती हैं। कारण क्या है? हैं? पुष्कर में पूजा नहीं करता कोई जा करके। पुष्कर तो यादगार है। क्या पुष्कर है? यादगार उन पुरुषार्थियों की। पुष माने होता है धक्का लगाना और पुष्कर माने धक्का लगा करके जिन्होंने असली पुरुषार्थ किया है, अपनी स्वेच्छा से एडवांस ज्ञान को ग्रहण करने का पुरुषार्थ नहीं किया है, उनको कहा जाता है पुष्करणी ब्राह्मण। वो पुष्करणी ब्राह्मणों की यादगार अजमेर में बनी हुई है। अजमेर में एक और यादगार है, सबसे बड़ा मेला भी लगता है। वो बड़ा मेला हिंदुओं का लगता है या मुसलमानों का लगता है? मुसलमानों का लगता है। इसमें क्या राज है? इसमें भी राज छुपा हुआ है कि अजमेर में मुसलमानों का इतना बड़ा मेला क्यों लगता है? हिंदुस्तान में मुसलमानों के मेले का क्या काम? इसमें राज ये है कि ब्रह्मा आकाश के सितारों में, सूरज और चांद के बीच में ब्रह्मा की यादगार क्या है? चंद्रमा के रूप में। मुसलमानों के झंडे में, मुसलमानों के नोटों में, मुसलमानों की और भी जो यादगारें हैं उनमें चंद्रमा विशेष दिखाया जाता है। और संपूर्ण चंद्रमा नहीं दिखाया जाता, कौन सा दिखाया जाता है? अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। जो अधूरा चंद्रमा है वो शंकर के मस्तक पर विराजमान है। क्या? चंद्रमा मस्तक पर क्यों विराजमान है? संपूर्ण बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। हैं? संपूर्ण बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। हाँ जी। अपनी स्वेच्छा से मनन चिंतन मंथन में नहीं गए,
उनको चलाया गया, ब्रह्मा को भी और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी। ब्रह्मा की सोल उसको फॉलो करने वाले हुए ज्यादातर मुसलमान और क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं। ब्रह्मा कृष्ण की सोल है, सबको पता है, मृदुल पार्टधारी है। ब्रह्मा जो कृष्ण की सोल है उसकी राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट के साथ। क्राइस्ट के साथ राशि क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि ब्रह्मा के जीवन में जो हुआ वो क्रिश्चियंस के जीवन में भी देखा जाता है। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया, कांटों पर। भारत में महाभारत एक बड़ा ग्रंथ है, उसमें कृष्ण का चरित्र भी दिखाया है। कृष्ण की मृत्यु कैसे होती है दिखाते हैं। एक बहेलिए ने तीर मारा और कृष्ण के पांव पखेरु उड़ गए। ये तीर कोई स्थूल तीर की बात है या कोई तीखी बात की यादगार है? बाण कहो तीर कहो, कहते ना ये तो तीर जैसी बात मारता है। तो सन 68-69 में ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया, कोई बहेलिए ने ऐसी बात का तीर मारा जो उनके प्राण पखेरु को ले उड़ी। सिर्फ तीर तीर ही नहीं मारा बात का, कुछ काम भी ऐसा किया जिसकी वजह से ब्रह्मा बाबा को जबरदस्त घाव लगा। अब अपने ही रचे हुए बच्चे हो और अपने को ही अगर ऐसा घाव मारे, तीर लगी बात करे, तो माँ बाप को दुख नहीं होगा क्या? बाप तो सख्त मिजाज का होता है, चलो सहन भी करेगा, सामना भी करेगा, लेकिन माँ सहन नहीं कर पाती। तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। यज्ञ के आदि में हम सबको पता है कि कैसी कैसी आत्माएं भारतवर्ष में आकर के उस ओम मंडली में इकट्ठी हुई थी। सब जानते हैं कि हिंदू ही कन्वर्ट हो करके और धर्मों में मुसलमान क्रिश्चियन इस्लामी बौद्ध ही बने हैं। कभी भी दूसरे धर्म के लोग आकर के हिंदू नहीं बने। तो द्वापर युग से आज से 2500 वर्ष पहले से जो जो देवता धर्म की आत्माएं थी विकारी बन गई और अपने को देवता नहीं कह सकी, हिंदू कहने लगी, वो हिंदू धर्म की आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती गई। पहले तो देवता धर्म के थे, फिर कन्वर्ट होकर हिंदू बन गए। तो क्या वो कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन मुसलमान और दूसरे धर्म में चले गए? तो क्या वो दूसरे धर्म में ही बने रहेंगे या कन्वर्ट होकर के फिर देवता बनेंगे? फिर देवता बने, देवता तो बनेंगे, लेकिन कच्चे देवता बनेंगे या पक्के देवता बनेंगे? कच्चे देवता बनते हैं, माने पहले कच्चे ब्राह्मण बनते हैं फिर कच्चे देवता बनते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की 9 कुड़ियां गाई हुई हैं और ब्राह्मणों को एक से एक ऊंची कुरी वाला बताते हैं। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते और 9 ही धर्म है दुनिया में।
देवता धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख और अधूरे सधूरे आर्य समाजी, जिनको नाम मात्र की राजाई की गद्दी मिल जाती है 2-5 साल के लिए। यही 9 धर्म हैं दुनिया में जो नंबरवार भगवान को मानते हैं, और भगवान बाप को मानते हैं तो इन धर्मों में नंबरवार राजाई मिली है। ये राजाई की ताकत, ये राजाई की नियामत, ये राजाई की पढ़ाई सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई पढ़ाता नहीं है। परम पिता परमात्मा ही आकर के राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर की राजाई बच्चों के ऊपर न्योछावर कर देते हैं। एक जन्म की राजाई नहीं, 21 जन्म की तो ऐसी राजाई देते हैं जिसमें दुख का नाम निशान नहीं होता, सुख ही सुख रहता है। और उसके बाद 63 जन्मों में से 62 जन्म की ऐसी राजाई देते हैं जो अपने अपने पुरुषार्थ की मादा के ऊपर प्राप्त होती है। संगम युग में जिसने जो पुरुषार्थ किया ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का और पढ़ाने का, उस पुरुषार्थ के आधार पर, याद की प्रैक्टिस के आधार पर, दिव्य गुणों की धारणा के आधार पर, हर मनुष्य आत्मा को अपने अपनी राजाई की प्राप्ति हो जाती है। तो वो राजाई की प्राप्ति बाप से होती है या माँ से होती है? बाप से होती है। परंतु माँ जब तक जन्म न दे तो वो प्राप्ति हो सकती है? ब्रह्मा से जन्म जरूर लेना पड़े। चलो, यहाँ बहुत से ऐसे ब्राह्मण बैठे होंगे जो डायरेक्ट एडवांस में आए हैं, हाथ उठाओ कितने हैं? डायरेक्ट वाले है, डायरेक्ट बेसिक में नहीं गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी आश्रम में नहीं गए, डायरेक्ट आ गए, बहुत है? तो ऐसे नहीं है कि ये ब्रह्मा के बच्चे बने नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारी इनके भाई बहन बने ही नहीं और ये इधर आ गए, नहीं, ये पूर्व जन्म में ही पहले ही ब्रह्मा की औलाद बन चुके थे। ब्रह्मा की औलाद बनने के बाद फिर दूसरा जन्म लेकर आए हैं, तब इन्होंने ये एडवांस ज्ञान लिया। वो पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म में ऐड हो गया। ईश्वरीय पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, इस जन्म में आकर के सीखा पढ़ सकते हैं। तो आज में ही ब्रह्मा की औलाद बन चुके थे। कोई ऐसे होते हैं कि आज में भी ब्रह्मा की औलाद बने और वर्तमान जन्म में भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ते रहे, डबल पढ़ाई पढ़ी बीके की और फिर एडवांस में आए। बाकी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता बीएएमए का जिसने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई ना पढ़ी हो, डायरेक्ट कोई नहीं आता। इसी हिसाब से जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बना वो सन 47 से उसका फाउंडेशन पड़ा,
और माउंट आबू में आने के बाद जब दिल्ली में पहला आश्रम खुला तो नाम प्रत्यक्ष हो गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। परंतु ब्रह्मा के शरीर छोड़ने से पहले ही कुछ वर्ष पहले परमात्मा शिव ने मुरली में ये बात भी सुना दी ब्रह्मा मुख से कि ये जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा है ये रंग है, क्या होना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तुम बच्चे अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी मत लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम अम्मा बाप दोनों के बच्चे हैं, हम प्रवृत्ति मार्ग के हैं, हम निवृत्ति मार्ग के नहीं हैं। और गीता ग्रंथ निवृत्ति मार्ग वालों का ग्रंथ है या प्रवृत्ति मार्ग वालों का ग्रंथ है? जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, घर गृहस्थ में रहकर जीवन व्यतीत करने वाले हैं, उन्हीं का ही गीता ग्रंथ है। गीता ज्ञान भी भगवान ने आकर के गृहस्थियों को दिया होगा या निवृत्ति मार्ग वाले साधु संन्यासियों को दिया होगा? इसलिए ये इशारा मुरली में ही दे दिया था। मुरली में बोला था अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। क्या मतलब हुआ? अंदर वाले का मतलब कि जो सरेंडर होकर के रहते हैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, अपना घरघाट छोड़ चुके हैं, वो उनमें भी दो प्रकार के हुए। एक तो वो हुए जो ब्रह्मा के जीवन काल में ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे, उस समय वो प्रवृत्ति मार्ग में थे या निवृत्ति मार्ग में थे? उस समय प्रवृत्ति मार्ग में थे। फिर ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, मम्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा और सरस्वती, यज्ञ माता यज्ञ पिता दोनों ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। उनको प्रवृत्ति मार्ग का ब्राह्मण कहें या निवृत्ति मार्ग का कहें? निवृत्ति मार्ग का क्यों कहें? वो तो मानते हैं ब्रह्मा हमारी माता है, शिव हमारा बाप है। माँ बाप होते हैं साकार में, क्योंकि मुरली में ये बात बाबा ने पहले ही सुना दी। क्या? कि शिव के तुम सब बच्चे हो, शिव कुमार हो। शिव की कुमारियां नहीं होती, शिव है ज्योति बिंदु आत्मा सुप्रीम सोल, उसके बच्चे सब भाई भाई आपस में। क्या? शिव के बच्चे सब आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि शिव स्वयं आत्मा है, जीव आत्मा नहीं है। अगर जीवित आत्मा हो, शरीर सहित हो, तो भाई बहन हो सकते हैं। लेकिन तुम सब बिंदु बिंदु आत्मा है भाई भाई, और तुम्हारा बाप शिव ज्योति बिंदु। परंतु वो शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है और साकार में प्रवेश करता है तो संभालने वाले मात पिता स्त्री पुरुष के रूप में हो जाते हैं। वो हुए प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मा और सरस्वती, और उनके शरीर छोड़ने के बाद वो परंपरा माँ बाप की खत्म हो गई। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी से पूछो, तुम अगर प्रवृत्ति मार्ग के हो तो तुम्हारे माँ बाप कौन है, क्या बताएंगे? है ब्रह्मा बाप तो बताते हैं। वो तो सही छोड़ गए, मुरली में तो बोला है। उन ब्राह्मणों से पूछो
तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म बतनवासी, तो तुम यहाँ कहाँ से आ गए? सूक्ष्म बतन में सृष्टि थोड़े ही होती है। सृष्टि कहाँ होती है? साकार दुनिया में सृष्टि होती है। साकार दुनिया में सृष्टि तभी होती है जब माँ भी साकार में हो और बाप भी साकार में हो। तो ये ज्ञान बाप आकर के देते हैं, और किसको देते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चों को। बेसिक में ही जो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे 100% यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब ने वो ईश्वरीय ज्ञान लिया जो बाप बाप के रूप में आकर के देता है, टीचर के रूप में आकर के देता है। वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को आकर ज्ञान देता है। जो निवृत्ति मार्ग के हैं, बड़े बड़े मठ पंथ जमा कर बैठे हुए हैं, ऊंची ऊंची महलमारियां अटारियां बना करके बैठे हुए हैं, उनको ज्ञान नहीं देता है। भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को ये ईश्वरीय ज्ञान पल्ले नहीं पड़ा, और जो कुछ अगर सुना भी तो उन्होंने अपोजिशन किया या सपोर्ट किया? अपोजिशन किया। बोई गीता एपिसोड अभी भी चल रहा है। भगवान आकर के गरीबों को उठा करके गरीब निवाज बनता है, उसी को भगवान कहा जाता है। ऐसे नहीं कि भगवान दादा लेखराज के तन में आवे और गरीबों का उद्धार न करे। बड़े बड़े महलमानियों अटारियों और बड़ी बड़ी धन संपत्ति वाले बच्चों को उठाए नहीं, न लखपति करोड़पति के तन में आता है बाप के रूप में। माँ के रूप में आता है लेकिन बाप के रूप में नहीं आता है। बाप बाप है, कली भी दुनिया में आता है। कली भी दुनिया में ज्यादा दुखी गरीब है या रईस है? गरीब ज्यादा दुखी है, और दुनिया की ज्यादा आबादी गरीब है या साहूकार है? गरीब है। तो भगवान गरीबों के लिए आता है, रईसों के लिए आता ही नहीं। और रईसों को भगवान को जानने की दरकार है भी नहीं। कोई कहे अगर दरकार नहीं है तो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में कैसे आ गया? आया तो, लेकिन आने का फायदा क्या हुआ? सुना और सुनाया, भगवान के असली रूप को पहचाना क्या? यज्ञ के आदि में भी तो था वो भगवान का रूप, अगर नहीं था तो उनके साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन किससे मिला? वो ज्ञान का बीजारोपण कहाँ से पड़ा? कैसे पता चला कि मैं कृष्ण की आत्मा हूँ? पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, ये ज्ञान का संदेश किससे मिला? ये बीज किसने डाला? जिस बाप ने डाला उस बाप की पहचान ब्रह्मा को नहीं हुई। अगर हुई होती तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नाम नहीं डालते। क्या नाम डालते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम डाला जाता। और अगर पक्का निश्चय उस समय नहीं बैठा, खुदान खास्ता आदि में नहीं बैठा, चलो छोटे बच्चे थे, 67-68 में जब शरीर छोड़ने का टाइम आया तब तो बुद्धि में बैठना चाहिए, और तब तो खास बैठना चाहिए जब मुरली में ये बात सुना दी गई कि बच्चे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रांग है। क्या लिखना चाहिए? प्रजा
माता पिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना चाहिए, तब भी नहीं लिखा गया। इससे क्या साबित हुआ कि ब्रह्मा की सोल ने और जो भी खास खास ब्रह्मा कुमार कुमारी थे उन्होंने बाप को पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। इसलिए बाप को अपना परिचय अपने आप देना पड़ता है, न ब्रह्मा बाप का परिचय देता क्योंकि खुद ही नहीं जानता, और न तथाकथित तो बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले बाप का परिचय देते, वो खुद ही नहीं जानते तो दूसरों को परिचय कैसे देंगे। इसलिए ये भी मुरली में सुनाया गया, किसके मुख से सुनाया? ब्रह्मा के ही मुख से सुनाया, ब्रह्मा ने सुना। सबसे पहले किसके कान सुनते थे? ब्रह्मा के कान सुनते। ये तो नहीं कभी कहा कि सबसे पहले ब्रह्मा समझते हैं, ब्रह्मा के कान सुनते हैं, महारथी तो है, हाथी रूपी बड़े बड़े कान वाला महारथी तो है, उनके परिवार में बड़े बड़े चौड़े चौड़े माथे वाले और बड़े बड़े कान वाले और बहुत कुछ सूंघा सांगी करने वाले तो हैं, बड़ी नाक वाले, लेकिन भगवान के पार्ट को नहीं जानते। अगर जाना होता, पहचाना होता तो दूसरों को भी परिचय दिया होता। इसलिए मजबूर हो करके शिव परमपिता परमात्मा को वो तन छोड़ करके फिर जब वही आदि ब्रह्मा जिसमें ज्ञान का बीजारोपण जिसके द्वारा डाला गया था, कौन? प्रजापिता। वही आत्मा, वही भागीदार जिसके लिए मुरली में बोला अलख को मिला अल्लाह, बे को मिली बात सही यज्ञ की झूठी। यज्ञ में कोई ज्ञान यज्ञ में कोई बादशाह बन करके बैठ जाए, प्रशासक और प्रशासिका बन करके बैठ जाए तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा? ब्राह्मण का धंधा शासक बनना है, दूसरों के ऊपर शासन चलाना है, कंट्रोल करना है, या ब्राह्मणों का धंधा सेवा करना है? सेवाधारी होने चाहिए ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का बाप प्रजापिता वो खुद कहता है, सुनाता है ब्रह्मा मुख से, क्या बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बाप के रहते माँ के रहते बच्चे शासक बन करके बैठ जाए और ब्रह्मा माँ को अपनी उंगली पर उंगली के इशारे पर नचाना चाहे, ये तो बहुत खराब बात हुई, गलत शूटिंग कर ली। और वही गलत शूटिंग आज कलयुग के अंत में भारत में घर घर में देखी जा रही है कि बाप अगर खुदा न खास्ता चला जाता है तो सारी सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? बच्चों के हाथ में आ जाती है, माँ को परिवार का कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये तो तब से अभी सरकार ने देना शुरू किया है, नियम बनाया है जब से बाप आ गया। पहले तो शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं मनाते थे, सन 76 से पहले, सन 76 के बाद शिवरात्रि की छुट्टी भी गजेटेड हॉलीडे मनाई जाने लगी। ये बाप का बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने का प्रभाव है। अभी भी घर घर में माताएं दासी के रूप में कार्य कर रही है, जैसे कृष्ण उर्फ ब्रह्मा क्या बन करके बैठ गया? गीता का साकार में भगवान बन करके बैठ गया। ऐसे आज घर घर में यही शूटिंग हो रही है, माताओं को घर में कोई नहीं पूछता, माताएं दासी बन करके मरते दम तक बच्चों की सेवा करती रहती है। एक वो टाइम था जबकि राजघराने में राज दरबार लगता था, राजमाता ऊंची स्थान पर बैठती थी,
और राजलक्ष्मी राजा के साथ नीचे बैठती थी। आज घर घर में माँ बाप की क्या हालत हो गई? जैसे ब्रह्मा को बाप के रूप में जिन्होंने माना तो ब्रह्मा की दुर्गति कर दी, हाथ फेल हो गया। और माताओं का भी ये हाल हो रहा है। अभी बाप आया हुआ है, बाप का विरुद्ध है, स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगी? माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। और भाइयों को आगाह कर दिया, पुरुषों को क्या कर दिया आगाह? नहीं, इस यज्ञ में पुरुषों को गार्ड बन करके रहना है। क्या जैसे कोई मिनिस्टर मिनिस्टर होते हैं ना, तो उनके गार्ड होते हैं, उनकी रक्षा करने वाले। दास दासी के रूप में होते हैं या सरपरस्त होते हैं? दास दासी के रूप में होते हैं। ऐसे स्पष्ट बोल दिया, पुरुषों के हाथ में ज्ञान का कलश नहीं देता हूं। अगर कोई पुरुष गीता पाठशाला में बैठ करके और भाषण करते हैं माताओं के सामने, कन्याओं के सामने, तो बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। क्या दंड के भागीदार हो जाएंगे? ये जरूर मुरली में बोला है, कन्याएं माताएं कन्याओं माताओं को समझाएं और पुरुष पुरुषों को समझाएं। बस अभी सारा षष्ठी चक्र पलट गया है। षष्ठी चक्र को कहते हैं सुदर्शन चक्र। क्या सुदर्शन चक्र को शास्त्रों में पहिए के रूप में दिखाया है। ये षष्ठी रूपी पहिया है, ब्रह्मा के 100 साल पूरे हुए, प्रथम ब्रह्मा के माना प्रजापिता ब्रह्मा के, कौन से सन में? 76 में। 76 में 100 साल पूरे होते हैं और ब्रह्मा का मृत्युलोक पूरा हो जाता है। कौन से ब्रह्मा का? आदि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, जो सारी 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि रूपी प्रजा का पिता माना जाता है, जिसको शास्त्रों में कहा गया जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वरो, वो सारे जगत का पिता है। जगत पिता कहो, विश्व पिता कहो, विश्वनाथ कहो, बात एक ही है। कहते हैं ना, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे, तो वो विश्वनाथ ब्रह्मा के रूप में, आदि ब्रह्मा के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तब उसकी आयु होती है कितनी? अरे वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ ना, 60 वर्ष आयु थी। कौन से सन में? सन 36 में। ब्रह्मा की आयु 60 वर्ष नहीं थी, ब्रह्मा की आयु कितनी थी? 50 साल थी। हैं? प्रजापिता की आयु 60 साल और दादा लेखराज की आयु 50 साल। जो ज्ञानामृत पत्रिका है उसमें जो लेख लिखा हुआ है उसी से साबित हो जाता है कि दादा लेखराज की 100 साल आयु सन 87 में पूरी हुई। जब 100 साल उनकी आयु पूरी हुई तो 1 वर्ष वो अव्यक्त वाणी भी नहीं चलाई माउंट आबू में। तो आदि प्रजापिता वो 60 साल का था सन 36 में, और 60 साल में 40 साल और ऐड किए तो 100 साल पूरा होता है 76 में।
76 में उस आत्मा के लिए मृत्युलोक खलास हो जाता है। क्या इसके लिए मुरली में घोषणा की थी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष पूर्व इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। 66 की मुरली है, 66 से उल्टा चक्कर घूमे 5000 साल का, 66 तक पहुंचे तो कितने साल हुए? 5000 साल, और उसमें से 10 वर्ष कम कर दो तो 76 आ जाते। तो 76 में घोषणा कर दी लक्ष्मी नारायण के जन्म की, जन्म अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जैसे गर्भ में बच्चा गुप्त होता है या प्रत्यक्ष होता है? गुप्त होता है। जब बाहर आता है तो प्रत्यक्ष कहा जाता है, बाहर आना है माना जन्म लेना। ऐसे ही वो प्रजापिता वाला व्यक्तित्व 100 साल की उम्र मृत्युलोक में खत्म हो गई। उसके लिए जैसे कलयुग खत्म हो गया, कलयुग देह के लिए खत्म हो गया या मन बुद्धि रूपी आत्मा के लिए खत्म हो गया? मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है आदि ब्रह्मा की, प्रजापिता ब्रह्मा की, वो 76 में खुशियों की दुनिया में पहुंच जाती है। क्या खुशी मिल जाती है? वही जब आदि में शरीर छोड़ा था तो क्या शरीर, क्या खुशी थी? अलग को मिला अल्लाह, देह को मिली बादशाही झूठी। तो उस आत्मा की बुद्धि में ये बैठ जाता है कि वो सुप्रीम सोल जिसको सारी दुनिया सर्वव्यापी कहती है, वो सुप्रीम सोल बाप मेरे अंदर प्रवेश होकर के कार्य करता है। मुझे अल्लाह मिलता है, ऊंचे से ऊंचे हस्ती मुझे मिलती है, और कोई को वो नसीब उस रूप में नहीं होती। तो खुशी का पारावार नहीं रहता, मृत्युलोक से आत्मा कहाँ चली जाती है? मन बुद्धि रूपी आत्मा, वो शक्ति के आदि वाली आत्मा अमर लोक में अपने को महसूस करने लगती है। तो जो पहले पहले अमर लोक में अपने को महसूस करेगा उसका नाम शास्त्रों में क्या दिया है? मंदिर बना हुआ है प्रसिद्ध अमरनाथ। जो अमर रहने वाले देवताएं हैं, अमर माने कभी न मरने वाले। सत्युग त्रेता में तो शरीर छोड़ेंगे कि नहीं? वहां तो शरीर छोड़ेंगे, वहां की बात नहीं है। शास्त्रों में जो भी यादगार हैं, मंदिर बने हुए, कब की यादगार है? संगम युग में वो अमरनाथ ऐसा स्वरूप धारण करता है कि जिसके लिंग की यादगार बर्फ के लिंग के रूप में गाई जाती है। एवर प्योर सुप्रीम सोल जिस शरीर रूपी लिंग में प्रवेश करेगा उसकी इंद्रियां शीतल होंगी या नहीं होंगी? सबसे पहले उसकी इंद्रियां शीतल होनी चाहिए। तो वो अमरनाथ पहले पहले अमर बनता है। अमर का मतलब क्या हुआ? शरीर से अमर नहीं, मन बुद्धि में इतने निश्चयात्मक भाव बैठ जाते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाता है जिसकी यादगार आसमान के सितारों में एक ही सितारा गाया जाता है, ध्रुव तारा। कहते हैं 7 सितारे ये आत्मा रूपी धरती के सितारे हैं, वो आसमान के जड़ सितारे यादगार बने हुए हैं। 7 सितारे चक्कर काटते रहते हैं और 1 सितारा अपनी जगह पर अटल रहता है, कभी चक्कर नहीं खाता निश्चय और अनिश्चय का। कोई तो बड़ा बड़ा चक्कर काटते हैं और ध्रुव तारे के आसपास ही चक्कर काटते हैं, कोई छोटा चक्कर काटते हैं, कोई तो थोड़ा अनिश्चय में आते हैं और कोई बहुत अनिश्चय में आते हैं। सबसे ज्यादा स्मृतियों के चक्कर कौन सी आत्मा काटती है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा की यादगार आसमान के सितारों चांद सूर्य में कौन सी है?
चांद, चांद पृथ्वी का भी चक्कर काटता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। तो पृथ्वी ज्यादा चक्कर काटती है या चंद्रमा ज्यादा चक्कर काटता है? चंद्रमा को डबल चक्कर काटना पड़ता है, पृथ्वी का भी चक्कर और सूर्य का भी चक्कर। ज्यादा निश्चय बुद्धि पृथ्वी की आत्मा बनती है। पृथ्वी को माता कहा जाता है ना, क्या कहते हैं? पृथ्वी माता। पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। वो पृथ्वी जिसका नाम पड़ा है पृथिव्याति, पृथ्वी पृथुलाति, चौड़ी होती जाती है। माताएं भी ऐसे ही होती है ना, जब बच्ची होती है तो पतली पतली रहती है, जब माता बन जाती है तो जैसे जैसे सृजन प्रक्रिया बढ़ती जाती है, बच्चे पैदा होते जाते हैं, माता का रूप और चौड़ा होता जाता है। तो वो पृथ्वी माता है, सारी सृष्टि की माता है या सिर्फ भारत माता है? सारी सृष्टि की माता है। वर्ल्ड मदर है या सिर्फ भारत की माता है? वर्ल्ड मदर है। और वर्ल्ड मदर में जो संस्कार होंगे और वर्ल्ड मदर से जो बच्चे पैदा होंगे वो सब धर्मों के बच्चे होंगे या सिर्फ देवता धर्म के बच्चे होंगे? सब धर्मों के फॉलोअर होंगे। और भारत माता से सिर्फ भारत के बच्चे पैदा होते। इसलिए शास्त्रों में दो माताएं प्रसिद्ध हैं। तिरुपति के मंदिर में जावेंगे तो वहां कथा सुनावेंगे, तिरुपति की दो रानियां थी, श्रीदेवी और पद्मावती। ऐसे ही और भी शास्त्रों में कहानी है, राजा कश्यप को दो पत्नियां थी, राजा नहीं थे ऋषि थे, ऋषि कश्यप जिनको ब्रह्मा भी माना जाता है मनु के रूप में, उनके दो पत्नियां थी दीति और अदिति। सृष्टि की शुरुआत वहां से मानते हैं, दीति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से अद्वैत माना देवता पैदा हुए। देवताओं का है अद्वैत धर्म, माना दूसरा नहीं हो सकता वहां देवताओं के राज्य में। एक राजा होगा, एक धर्म होगा, एक कुल होगा, एक भाषा होगी, एक मत होगा, द्वैत का नाम निशान नहीं होगा। वो हुए दिति के पुत्र, अदिति के पुत्र देवता, और दूसरी पत्नी थी दिति, उससे दैत्य पैदा हुए। दैत्य अर्थात व्यभिचारी। तो व्यभिचारी दुनिया कब से शुरू होती है? द्वापर से होती है व्यभिचारी दुनिया। नाम क्या पड़ा उस युग का? दोपुर। राज्य भी दो हो जाते, भाषाएं भी दो दो होती रहती, मत भी दो दो होते जाते, कुल भी दो दो होते जाते, सब बातों में द्वैतवाद, अद्वैतवाद की दुनिया खलास। तो बीज तो एक ही होता है परंतु धरणी अलग अलग होने से उसका वृक्ष अलग अलग प्रकार का बन जाता है। ऐसे ही इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है एक, कौन? प्रजापिता। सारी मनुष्य सृष्टि का ड्रामा का हीरो पार्टधारी तो एक ही है परंतु एक ही बीज से देवताओं की दुनिया भी बनती है और उसी से राक्षसी दुनिया भी बनती है। इसलिए भारत की परंपरा में एक ही देवता ऐसा है जो देवताओं को भी वरदान देता है और असुरों को भी वरदान देता है, और विष्णु
विष्णु देवता सिर्फ देवताओं को वरदान देता है, असुरों को वरदान नहीं देता। जैसे दुनिया में दो सौते हो किसी को, तो एक अपने बच्चों को प्रोत्साहन देगी और दूसरी अपने बच्चों को प्रोत्साहन देगी, लेकिन बाप क्या करेगा? बाप दोनों को भी प्रोत्साहन देगा। ये सारी परंपराएं पड़ती कहाँ से हैं? संगम युग से पड़ती है। ओम शांति।